नमस्कार दोस्तों, फैंटसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन फॉर इंटर मिलान वर्सेस बोलोनिया। इटालियन सेरिया का ये गेम 18 सितंबर को 9:30 PM को खेला जाएगा। दोनों ही टीम्स ने अपनी लीग कैंपेन को बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टार्ट किया है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग गेम होगा। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए ये जानने के लिए कि क्या होंगे की स्टैट्स, क्या है दोनों टीम्स की एक्सपेक्टेड 11, कौन होंगे की प्लेयर्स जिनको आपको अपने टीम में कंसिडर करना चाहिए, कौन होंगे स्ट्रॉन्ग सीवी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस, एंड क्या है हमारी सजेस्टेड ड्रीम 11 टीम इस गेम के लिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो हमारे लिए फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल्सो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम फाइनल टीम आपको देंगे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी आपको वो मिल जाएगी। तो फटाफट वहां से वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं पे मिलेगी। नजर डालते हैं सेरिया के लीग टेबल पर। तो दोनों ही टीम्स की स्टार्ट काफी सिमिलर है, आप देख सकते हो। इंटर मिलान 3 गेम्स में से 2 गेम जीती है, 1 गेम हारी है, 7 पॉइंट्स पे ये है एंड करंटली फोर्थ पोजिशन पे है। पोलोनिया ने भी 3 गेम्स में से 2 जीते हैं, 1 हारे हैं एंड 7 पॉइंट्स के साथ वो भी 6th पोजिशन पे है। तो गोल डिफरेंस पे सिर्फ ये दोनों टीम्स एक दूसरे से डिफर कर रही है। रिसेंट परफॉर्मेंसेस अगर देखोगे तो इंटर मिलान ने अपने पिछले 5 गेम्स में 3 गेम जीते हैं, 1 गेम ड्रॉ करी है, 1 गेम हारी है। अभी मिड वीक में जो उनका चैंपियंस लीग का गेम हुआ था रियल मैड्रिड के साथ, उसमें उनको डाइंग मिनट्स में हार का सामना करना पड़ा था। रॉड्रिगो ने डाइंग मिनट्स में गोल करके उनको हरा दिया था। तो इंटर इस गेम में डेफिनेटली कमबैक करने की कोशिश करेगी, स्पेशली व्हेन दे आर प्लेइंग एट होम। पिछले 5 गेम्स में उनके 12 गोल्स आ चुके हैं। बोलोनिया का भी रिकॉर्ड काफी सिमिलर है, आप देखोगे पिछले 5 गेम्स में 3 गेम इन्होंने जीते हैं, 1 गेम ड्रॉ करी है और 1 गेम हारे हैं। इन्होंने भी पिछले 5 गेम्स में 12 गोल स्कोर करे हैं। अब देखते हैं कुछ की स्टैट्स। इंटर मिलान जो अपने होम पे खेल रही है, पिछले 17 गेम्स इन्होंने होम पे कंटिन्यूसली जीते हैं, तो इनका होम फॉर्म काफी तगड़ा है एंड डेफिनेटली वो इस गेम में फेवरेट्स है। अपने पिछले 8 सेरिया गेम्स में इन्होंने एटलीस्ट 2 गोल स्कोर करे हैं। तो फिर से आप देख सकते हैं ये होम पे बहुत ही इनविंसिबल टीम बन जाती है। बोलोनिया का अवे फॉर्म काफी चिंताजनक है, पिछले 5 गेम्स में उन्होंने 1 भी गेम जीता नहीं है, 2 गेम्स हारे हैं एंड पिछले 3 अवे गेम्स जो सेरिया में उन्होंने खेले हैं वो तीनों गेम्स में उन्होंने ड्रॉ करे हैं। तो डेफिनेटली ये सब स्टैट्स देख के आप इंटर स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स नजर आ रही है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अगर आप देखोगे तो इट फेवर्स इंटर। इंटर ने 4 गेम्स जीते हैं, बोलोनिया से सिर्फ 2 गेम जीते हैं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स एंड एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हो तो प्लीज हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में आपके लिए छोड़ देंगे। नजर डालते हैं दोनों टीम्स के एक्सपेक्टेड लाइनअप पे। तो इंटर 3-5-1-1 इस फॉर्मेट फॉर्मेशन में खेलेगी, जहां पे लाउतोरा मार्टिनेस, कोरेया, ब्रोजोविस, बरेला ये कुछ उनके मेन प्लेयर्स बन जाते हैं जो अटैकिंग पोटेंशियल बहुत हाई रखते हैं। बोलोनिया 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में खेलती है, जहाँ पे सोरियानो इनके मिडफील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है एंड अर्नाटोविच इनके अटैक लाइन को लीड करते हैं। देखते हैं क्या है की प्लेयर्स इन दोनों टीम्स के। ये 2021 जो सेरिया सीजन अभी चल रहा है उसके स्टेटिस्टिक्स हमने आपके सामने रखे हैं। तो इंटर के आप अगर देखोगे तो कोरिया इनका लीडिंग स्कोरर है विथ 2 गोल्स, लाउतारो मार्टिनेज इज ऑल्सो अलॉन्ग साइड हिम विथ 2 गोल्स अगेन। कलानोग्लू जो मिडफील्डर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं इंटर के, इनके 1 गोल और 1 असिस्ट है, ये बहुत ही क्रिएटिव प्लेयर है, तो ये अगर खेल रहे तो आपको इनको डेफिनेटली सिलेक्ट करना है। अर्तारो विडाल तो आप जानते हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और तगड़े प्लेयर है। एडिन जेको इन्होंने रिसेंटली साइन किया है, अनदर एक्सपीरियंस स्ट्राइकर। इनके जो बरेला करके प्लेयर है जो अभी इटली के लिए यूरो में भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, वो मिडफील्डर है जिन्होंने 3 असिस्ट दिए हैं अब तक, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पिक बन जाते हैं। यहाँ से हमने कोरिया, मार्टिनेस, कोलोनोग्लू और बरेला को कंसिडर किया है एज की प्लेयर्स, तो मोटा मोटा ये इंटर से आपके मेन प्लेयर्स बन जाएंगे। अगर आप बोलोनिया का लाइनअप देखोगे तो इनके जो डिफेंडर है सिल्वेस्ट्री, इनके 2 गोल्स आ चुके हैं और ये इनके लीडिंग स्कोरर है अभी। अर्नाटोविच जैसे हमने पहले कहा था ये अटैक लाइन को लीड करते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है अगेन, इन्होंने भी यूरो में अच्छा परफॉर्म किया था, इनके 1 गोल और 1 असिस्ट आ चुका है, तो ये प्लेयर्स आप बोलोनिया के साइड से कंसिडर कर सकते हो। अभी देखते हैं क्या होगी हमारी सजेस्टेड ड्रीम 11 टीम। फॉरवर्ड्स में जैसे आप देख सकते हैं अर्नाटोविच, कोरिया एंड मार्टिनेस, इन तीनों को हमने सिलेक्ट किया है। तीनों ही काफ़ी हाईली एक्सप्लोजिव प्लेयर है, तो अटैकिंग जो आपको गोल्स और
असिस्ट के पॉइंट्स देने वाले प्लेयर है, ये तीनों ही आपके कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ऑप्शंस बन जाते हैं। अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हो जीएल में, तो इनको आप डेफिनेटली आपके टीम्स में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ऑप्शन के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। मिडफील्ड में हमने सोरियानो, बरेला एंड कालानोग्लू को सिलेक्ट किया है, जिसमें से कालानोग्लू और बरेला ये हमें लगता है बहुत ही बढ़िया कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ऑप्शन भी बन जाते हैं। आपको फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए, ताकि जब भी हम कुछ नया कंटेंट डालेंगे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाएगी। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट में आपके लिए छोड़ा है। डिफेंस में अगर आप देखोगे तो हमने डिमार्को एंड डम्फ्राइस को सिलेक्ट किया है इंटर की टीम से, सिल्वेस्ट्री को सिलेक्ट किया है जो अगेन काफ़ी अच्छा अटैकिंग रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, एंड बोलोनिया के कीपर को लिया है, और इससे हमारी टीम कंप्लीट हो रही है 6:4 के रेशियो में। तो अभी भी एक प्लेयर हमको सिलेक्ट करना बाकी है। हम इंटर की फेवरिंग अभी करंटली ये टीम बनाई है, एंड 8.5 क्रेडिट से आपका जो 11th प्लेयर है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो कौन होगा वो 11th प्लेयर जो आपको जीएल के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाने में हेल्प करेगा? तो अगर आप इंटर इस गेम में स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स मान के चल रहे हो, तो आप इनके मिडफील्डर आर्तारो विडाल को सिलेक्ट कर सकते हैं, या इनके डिफेंडर है, अगर आपको लग रहा है इंटर क्लीन शीट रख जाएगी, तो आप इनके ये डिफेंडर है स्क्रिनियार, जिनको सिलेक्ट कर सकते हो आपकी टीम में। अगर आप थोड़ी बैलेंस साइड बनाना चाहते हो, तो आप बोलोनिया से डोमिंगेस को आपकी टीम में कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी टीम 6:5 के रेशियो में बन जाएगी, अगेन फेवरिंग इंटर बट स्लाइटली बैलेंस्ड होगी ये टीम। याद रखिए दोस्तों, ये हमारी सैंपल टीम है, ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एंड पहली कमेंट में छोड़ा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए दोस्तों, जो फैंटेसी गेमिंग्स में ये फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो आपकी जितनी रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए, रिस्पॉन्सिबली खेलिए। आपको इस गेम के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे किसी और फुटबॉल या क्रिकेट के वीडियो में। धन्यवाद।